नमस्ते शशियाकाल किंचो, माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ये प्याज की चटनी। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल अद्भुत स्वाद है, अलग स्वाद है बिहार में बनने वाली ये चटनी। आप जरूर बना के अपना फीडबैक दें नलिनी किचन में। उससे पहले आइए देखते हैं कि मैंने ये चटनी आसानी से विद इन 1 मिनट कैसे बनाई। इस चटनी के लिए हमें चाहिए 2 प्याज मीडियम आकार के, और इसे हम एक ग्राइंडर में इस तरीके से रफली चॉप करके ग्राइंडर में डालेंगे। हम ये दोनों प्याज काटेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। प्याज की चटनी बिल्कुल डिफरेंट है, आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी। हरी मिर्च डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ में लहसुन की कलियां जाएंगी, मैंने यहाँ पे 6 से 7 लिया है। नमक जाएगा स्वाद अनुसार, और इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर, ये खटाई भी बोलते हैं इसको। वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं कुछ और बताने वाली हूँ जिससे कि इस चटनी का स्वाद बिल्कुल अलग होगा। पहले अब हम इसको पीस लेंगे, हमें दरदरा ही पीसना है इसको। और ये देखें, मैंने ये पीस के तैयार कर लिया है, दरदरी पिसी हुई है। बहुत ज्यादा मैंने महीन पेस्ट नहीं बनाया है, लेकिन अभी ये चटनी पूरी नहीं हुई, और ये चटनी खा के जरूर आप नलिनी किचन की तारीफ करेंगे। सबसे पहले अभी करना क्या है, हम एक चटनी वाले सुंदर बोल को लेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ना, और ये जो चटनी हमने अभी बनाई है इसके अंदर डालेंगे। फटाफट बनती है, इंस्टेंट चटनी है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। जरूर एक बार बनाए, और जब आप एक बार बनाएंगे ना, इसे बार बार बनाएंगे, ये मेरा वादा है कि आपको खा के इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। बिहारी रेसिपी है, मेरे फ्रेंड की रेसिपी है, गांव में जो पकोड़े बनते हैं उनके साथ ये सर्व किया जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम बिल्कुल 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर डालेंगे और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। जी हाँ, ये मस्टर्ड ऑयल आपकी चटनी का टेस्ट बिल्कुल बदल देगा। बहुत ही कम, थोड़ा सा डालना है हमें ये मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद ये चटनी बनके रेडी है। इसके साथ जो मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ उसकी मैं रेसिपी लिंक दे दूंगी, आप वो देखें, बिल्कुल अलग तरह का पकोड़ा मैंने कैसे बनाया। लाजवाब प्याज की चटनी तैयार है, जरूर बनाएं, फीडबैक दें नलिनी किचन में।